हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 23 काम करो डू वर्क। तो यहाँ पर काम के बारे में जानकारी दी है चैप्टर के अंदर कि काम करना चाहिए हमको। तो कैसे, क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पर देखते हैं। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान, बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। यानी यहाँ पर सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ। सूरज कभी आपको कहने आता है कि मैं आप लोगों को रोशनी यानी कि उजाला देता हूँ? नहीं ना। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अपने कामों के बारे में नहीं बताता है, हमको हमारा काम खुद करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, लेकिन हमको हमारे कामों के बारे में किसी को इतनी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा काम है तो हमें करना है, किस तरह से करना है जो यहाँ पर बताया है। मैं वापस आपको ये कविता जो है एक बार मैं फिर से गाकर सुनाता हूँ। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान, बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। तो यानी क्या है कि बातों से नहीं यानी कामों से होती है सबकी पहचान। तो यहाँ पर जो सूरज है वो प्रकाश फैलाता है फिर भी किसी को नहीं कहता है, जो बादल है वो पानी बरसाता है फिर भी किसी को नहीं कहता है, जो आंधी है वो आफत को टालती है तो भी वो किसी को नहीं कहती है, कोयल गाती है लेकिन फिर भी किसी को नहीं कहती है, मोर अपना नाच दिखाकर लोगों का मान प्राप्त करता है यानी लोग कहते हैं कि मोर कितना सुंदर नाच रहा है लेकिन वो किसी को कहने जाती नहीं है। उसी तरह से बातों से नहीं अपने कामों से हमको क्या करना है, अपनी पहचान बनाना है, जो इस कविता का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है, साथ में यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज है कुछ इस तरह से है, सही उत्तर पर सही का निशान बनाओ, टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर पहला है प्रकाश कौन फैलाता है, बादल सूरज तारे, तो जो प्रकाश फैलाता है उस पर टिक करना है। पानी कौन बरसाता है, हवा चांद बादल, तो जो करता है उसके ऊपर टिक करना है। नाच कौन दिखाता है, मोर कोयल सांप, तो जिस पर टिक करोगे जो सही शब्द हो उस पर। आफत कौन ढाता है, सूरज बादल आंधी, तो जो करता है उसके ऊपर टिक करना है। जो शब्द समानार्थी न हो उसको वर्तुल में घेरो, सर्कल द वर्ड दैट इज नॉट सेम इन द मीनिंग, यानी कि इसके अंदर जो, जैसे कि पहला है सूरज, तो सूरज का दो दूसरा नाम उसका क्या है, दिनकर सोम रवि, तो जो नहीं हो उसके अंदर हमको वर्तुल करना है। जैसे कि पहला है सूरज तो उसका रवि, दिनकर जो है वो नाम है और सोम नाम नहीं है, तो हमको उस पर टिक करना है। तो उसी तरह से बादल है, मेघ नीरज घटा, तो इन तीनों में से कौन सी चीज इसके अंदर नहीं है तो उसके अंदर हमको टिक करना है। पानी तो धदी, जल नीर,
तो जिसमें नहीं है उसको हमको क्या है टिक करना है। थर्ड है रिक्त स्थान में सही कथन लिखकर जोड़े बनाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सेंटेंस। मैं अच्छा गाती हूँ, खाई लग गया सूरज, तो सूरज क्या कहता है क्या करता है, मैं अच्छा गाती हूँ तो सूरज क्या करता है कि प्रकाश फैलाता है, तो ये कौन का कहता है सूरज, यानी कि ये कौन कहता है मैं अच्छा गाती हूँ, तो कहेगा कोयल। मैं आफत ढा देती हूँ तो होगा आंधी, मैं प्रकाश फैलाता हूँ तो सूरज, मैं पानी बरसाता हूँ तो क्या है बादल। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो आपको इसके अंदर भरना है। फिर आपका फोर्थ नंबर आता है, जो आपका फोर्थ नंबर है वो है कि शब्द का अंतिम अक्षर लिखकर शब्द सीढ़ी बनाओ। तो प्रकाश दिया गया है यहाँ, तो फिर स से क्या है शहनाई, ई आया तो इख, ख से खरल। तो इस तरह से आपको जो सात सीढ़ी है वो बनानी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 23 था। फिर मैं मिलता हूँ मेरे प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।